कैमरा एक्शन। चर्चा की हमने सीए, एनआरसी और एनपीआर पर। अब इसके बाद का प्रश्न ये उठता है कि सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर अलग अलग पक्ष हमें देखने को मिले। एक पक्ष था फाजिल अहमद जी का, जो कि कह रहे हैं कि एनआरसी लागू नहीं होनी चाहिए, और एक पक्ष है मोहम्मद फैज खान जी का, जिन्होंने एनआरसी, सीए और एनपीआर को लेकर अपने अलग तरीके से अपनी बात को रखा, और दोनों ही की ही बात वो अपनी जगह सही मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर सीए, एनआरसी और एनपीआर की हम बात करें, तो वो तो देखना अब आगे होगा कि मोदी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी सुनवाई 17 तारीख तक का जो टाइम है, अब शाहीन बाग में, इसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा। दिल्ली में जो अलग अलग, देश भर में जो अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, वो कब तक उठते हैं, उनकी बात पर किस तरह निर्णय सरकार लेती है, वो तो अब सरकार के ऊपर है। अब अगला प्रश्न मेरा एक और ज्वलंत मुद्दे पर है, वो है गौरक्षा पर। गौरक्षा की जब बात आती है, तो हमने प्रधानमंत्री जी को एक बार कहते हुए सुना कि उन्होंने कहा कि तथाकथित जो गौरक्षक हैं वो उन्हें गुंडे दिखाई देते हैं। तो उसके बाद किरण रिजिजू जी का एक बयान आया, उन्होंने बीफ को लेकर कहा कि मैं बीफ खाता हूं, अगर कोई मुझे रोक सकता है तो रोक ले, इस तरह की बयानबाजी आई। और उसके बाद गौरक्षकों ने भी आगे आकर प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बयान का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, तो कुछ चुप रहे क्योंकि वो मोदी जी के पक्षधर थे। मैं जानना चाहूंगी मोहम्मद फैज खान जी से कि उनका क्या पक्ष है। गौरक्षा को लेकर अलग अलग तरह की बातें फैज खान जी सामने आती है, आप क्या पक्ष रखेंगे इस पर? देखिए, मेरा यह मानना है कि गौरक्षक कभी गुंडा नहीं हो सकता, गौरक्षक कभी बदमाश नहीं हो सकता। ठीक है, भारत भर में बहुत सारे गोसेवक हैं जो बहुत अच्छी तरीके से गोसेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी मीडिया हाईलाइट नहीं करता है। कुछ असामाजिक तत्वों ने कोई कार्य किया, उसको हाईलाइट करते हैं, तो एक ये इमेज बनाने का प्रयास किया जाता है कि पूरे गोरक्षक गुंडे होते हैं। मैंने भारत में 15,000 किलोमीटर की पद यात्रा की, 25 राज्य चला, 30 महीने चला, और गोरक्षा के लिए चला। न मैंने किसी के साथ गुंडागर्दी की, ना किसी ने मेरे साथ गुंडागर्दी। गाय का विषय, गोमांस का विषय है ही नहीं। यूरिया पेस्टिसाइड खेत में जा रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको कैंसर हो रहा है। आज से 25 साल 30 साल 100 साल पहले जाइए, दाढ़ी वाला हो, टोपी वाला हो, तिलक वाला हो, क्रॉस वाला हो, सब गाय का गोबर डालकर खेती करते थे, गो आधारित खेती करते थे, भूमि उपजाऊ होती थी, किसी को कैंसर भी नहीं होता था। तो हम यहाँ पर इसी चीज को लेकर चल रहे हैं कि गाय का गोबर गोमूत्र खेतों पर जाए, लोग बीमारियों से बचे। आज सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा 60 से 70% दूध दही घी सब नकली आ रहा है, क्योंकि गाय है ही नहीं ना। तो वो असली आय हमको स्वास्थ्य मिले, सेहत मिले, जो बड़े बड़े फाइव स्टार जो हॉस्पिटल जो बन चुके हैं ना, इसकी जगह 5 स्टार विद्यालय और विश्वविद्यालय होने चाहिए थे। हॉस्पिटल इसलिए बने क्योंकि गाय धीरे धीरे जा रही है, तो हमारा स्वास्थ्य जा रहा है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने क्या स्टेटमेंट दिया, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। गाय का जो मेरा विषय है वो मैं आपको बता रहा हूँ, गोरक्षा इसलिए आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। तो मोहम्मद फैज खान जी का ये कहना है कि गोरक्षा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि पहले के जमाने में गोबर था, उससे खाद बना के खेती की जाती थी, आजकल केमिकल्स के साथ खेती की जाती है, जिससे कि कैंसर और नई नई तरह की बीमारियां आजकल हमें सुनने को मिलती है। फाजिल अहमद जी, आप क्या कहेंगे? गौरक्षक को गुंडे बताते हैं, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि देश के कई राज्यों में ऐसी बातें सामने आई कि तथाकथित गौरक्षक उन्हें गुंडा बनकर गुंडागर्दी दिखाई, चाहे वो अखलाक हो दादरी का, चाहे वो पहल खान भरतपुर के हों, चाहे वो जुनैद हों, इस तरह के लोगों की हत्याएं सामने आई, और फिर उसको मॉब लिंचिंग भी हमने बाद में एक नाम दिया। तो इस तरह की घटनाएं हिंदुस्तान के अंदर होना, और मोदी जी का खुद गौरक्षकों को गुंडा कह देना, आपको कहां तक लगता है गौरक्षा के नाम पर ये क्या चल रहा है हिंदुस्तान में, और कहां तक क्या जायज है? देखिए, गाय राजनीतिक पशु है, इसे हम राष्ट्रीय पशु बनाना चाहते हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं। गाय के सवाल पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी नेक्सस है देश के अंदर, जो स्लाटर हाउस में जो गाय जाती हैं कटने के लिए, उनसे वो पैसा वसूलते हैं। मारा जाता है ड्राइवर, क्लीनर, जो उसके कर्मचारी हैं। ये बहुत बड़ा नेक्सस है जो सरकार नहीं तोड़ सकती। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग लगे हुए हैं, और तमाम IPS ऑफिसर्स का इस पर काफ़ी बयान आया कि उनके हर थाने, हर जिले में जहाँ जहाँ स्लाटर हाउस, किसका है, मात्र 6 आदमी का देश में स्लाटर हाउस है, लाखों गाय रोज कटती हैं। जिस तरह से, मैं तो सरकार से कई बार मैंने कहा कि जिस तरह से आप हिंदू मैरिज एक्ट बनाए, पूरे देश का कोई भी हिंदू दूसरी शादी नहीं कर सकता, सब पे लागू है। इसी तरह से आप गौर अच्छा एक्ट बनाइए, एक सेंट्रल एक्ट बनाइए। गौवध अधिनियम आपने बनाया, लेकिन उसे सेंट्रल एक्ट नहीं बनाया। स्टेट चाहे तो माने, नहीं तो माने, इसलिए नहीं बनाया कि किरण रिजिजू क्या खाएगा, फिर गोवा का चीफ मिनिस्टर क्या खाएगा। ये इसलिए लोग गाय पर राजनीति कर रहे हैं।
हम चाहते हैं, हमने दो बात कही, सरकार को लिख के दिया कि आप गाय के लिए नेशनल एक्ट बनाइए और गाय को प्रतिबंधित कीजिए। अकबर ने सजाए मौत दी थी गाय काटने के लिए, आप उनसे कम से कम सीखिए कि आप गाय को काटेंगे तो सजाए मौत। और हम कह रहे हैं कि नेशनल एक्ट बनाइए और स्लॉटर हाउस बंद कीजिए जहां गाय काटी जा रही है। निश्चित रूप से वहां चमड़े बिक रहे हैं, गाय जा रही है, स्लॉटर हाउस में गाय कट सकती है लेकिन किसी कसाई के दरवाजे पर नहीं कट सकती। स्लॉटर हाउस में काटने के लिए वो मां नहीं है, बाकी जगह मां है। तो जो राजनीति हो रही है ये राजनीतिक पशु हो गया है। गाय जो है हम राष्ट्रीय पशु बनाना चाहते हैं। तो अगर गाय राजनीतिक पशु हो गया है तो आप एक छोटा सा सवाल इसमें कि आपने अपनी बात रखी, लेकिन जब एक इंस्पेक्टर का नाम आता है कि जब एक इंस्पेक्टर ने गौ जो तस्कर थे वो लेकर जा रहे थे उसको रोकने का काम किया ना, तस्कर जो गौ तस्कर थे उन्होंने खुद मार दिया इंस्पेक्टर को। तो ऐसी चीजें जब आती हैं, जब आप गौ रक्षा की बात करते हैं तो गौ रक्षा के लिए मैंने आपको कहा एक नेक्सस। देखिए नेक्सस मैंने कहा, मैंने हिंदू मुसलमान नहीं कहा, मैंने कहा एक नेक्सस है जिसमें गौ तस्कर भी है गौ रक्षक भी है, दोनों मिल करके गाय के नाम पर पैसे कमा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। उसमें हम ये नहीं कह रहे कि गौ रक्षक नहीं है गौ तस्कर नहीं है, दोनों ही हैं। वो देखिए अपराधियों की कोई जात नहीं होती, उसको हम हिंदू मुसलमान से नहीं देख सकते। हमने आपको क्या कहा, गौ एक नेक्सस कहा, उस नेक्सस में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी हो सकते हैं। उनका एक माइंडसेट होता है अपने प्रॉफिट करना, अपने को बिजनेस। आप सोचिए कि ब्राह्मण लोग का है स्लॉटर हाउस, हिंदू का स्लॉटर हाउस है, किसी मुसलमान का नहीं है। स्लॉटर हाउस में गाय नहीं कट रही क्या, वो कैसे हिंदू है जो अपने स्लॉटर हाउस में गाय कटवा रहे और एक्सपोर्ट कर रहे हैं बीफ को, चमड़ा बेच रहे उसको, तो वो क्या है, वो उनके ऊपर कानून नहीं लागू होता है क्या। मैंने नेक्सस की बात की, इस नेक्सस को तोड़ना होगा। गाय के सवाल पर आप गाय को दूध के लिए इस्तेमाल कीजिए और 5,000 रुपया मानदेय दीजिए, गाय जो है 6 महीना दूध देगी, बाकी 6 महीना कौन खिलाएगा उसको। सरकार यदि गाय को बचाना चाहती है तो गौपालक को 5,000 रुपया मानदेय देना चाहिए एक गाय के ऊपर। हम तो इस बात के लिए पैरवी कर रहे हैं कि आप एक गाय अगर हम पालते हैं तो हमको 5,000 रुपया दिए तो मुसलमान भी गाय पालेगा, हिंदू भी पालेगा, सिख भी पालेगा, ईसाई भी पालेगा। आप 6 महीना दूध देगी, खाएगी 200 रुपया, कमाएगी 100 रुपया, तो कोई आदमी तो उसको नहीं करेगा। आप जाके जितने देश में गौशाला, मैंने भी बहुत गौशाला घूमी है, क्या हालत है उनकी देखी जाकर के, वो लोग खुद गाय बेच देते हैं। उत्तर प्रदेश में सारे पुलिस वाले 5,000 रुपये लेकर के और आवारा पशु जो है सब बिहार भेज रहे हैं। नेक्सस नहीं है क्या, उत्तर प्रदेश के भाजपा की सरकार है। तो ये गाय के सवाल पर जो नेक्सस है, इस नेक्सस को तोड़ना होगा और 5,000 रुपया मानदेय देना होगा। अहमद जी आपकी बात चली गई। फैज खान जी आपसे मेरा दूसरा सवाल है, ये सवाल है कि जैसे आपने कहा 15,000 किलोमीटर आपने पैदल परिक्रमा की हिंदुस्तान की, तो अगर आप 15,000 किलोमीटर पैदल परिक्रमा की होगी आपने, तो आपने देखा होगा गांव-गांव से जब आप गुजरे होंगे तो कई गायें सड़कों पर घूमती हैं और ऐसी अवस्था में घूमती हैं कि वो मतलब बेतहाशा उन एक्सीडेंट से मार दिया जाता है उनको, गाड़ियां को चलती हुई चली जाती हैं, कई गायें जख्मी हालातों में पड़ी रहती हैं। तो केंद्र जो सरकार है आज की डेट में, केंद्र सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, कोई भी कानून वो पारित कर सकते हैं। जब संसद में, मैं किसी भी सरकार की बात कर रही हूँ, जब संसद में सांसदों की सैलरी बढ़वानी होती है तो बहुत जल्दी कानून पारित हो जाते हैं। तो क्यों, चाहे जब वो दिल्ली में फैक्ट्री सीलिंग का जब एक मुद्दा आया तब जैसे कि कानून नहीं पारित किया गया, वैसे ही गौ रक्षा के नाम पर अगर कानून पारित करके ये गौशालाएं बनाने की चर्चा करे, अगर गौ रक्षा के जैसे इन्होंने कहा एक नेशनल एक्ट बनना चाहिए, तो अगर गौ माता से इतना प्यार किसी सरकार को है या हम सबको है तो क्यों ना सबके लिए गौ रक्षा के नाम पर एक नेशनल एक्ट बना दिया जाए। भाईजान ने बहुत अच्छी बात कही, जो सही बात है मैं उससे सहमत हूँ, उनकी बात से सहमत हूँ और इस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी पूरे भारत में मैं पैदल चला, नो डाउट बहुत सारी गाय सड़कों पर बैठी हुई दिखी, कई गाड़ियों ने गाय को कुचला और कई टक्कर से बाइक वाले लोगों की भी मृत्यु हुई गाय के साथ, गाय भी मर रही लोग भी मर रहे हैं। हम ये चाहते हैं सरकार से, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं, एक गो अभ्यारण्य बनाए, जैसे टाइगर रिजर्व होता है उसी तरीके से काउ रिजर्व बनाया जाए, ये सारी गायों को वहां रखा जाए। दूसरा इसका एक बहुत अच्छा उपचार यह है कि सरकार गोबर और गोमूत्र किसानों से खरीदना चालू करे। मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया कि 10 रुपए किलो गोबर, 5 रुपए किलो गोबर और 10 रुपए लीटर गोमूत्र सरकार यदि किसानों से खरीदना चालू कर दे तो उस गोबर गोमूत्र का इस्तेमाल खेतों में खाद के रूप में भी हो जाएगा और जो गाय दूध नहीं दे रही वो गोबर गोमूत्र तो देती है तो उससे गाय का खर्चा निकल जाएगा,
तो गाय ना कटने के लिए कत्लखानों में जाएगी, ना सड़कों पर घूमती हुई इस तरीके से दिखाई देगी। तो इस तरह की चर्चा क्या आपने, क्योंकि केंद्र में सरकार भाजपा की है, तो जैसे आप राज्यों में जाकर बातचीत करेंगे, केंद्र में कभी आपने जाके इस तरह की चर्चा को रखा, और अगर रखा है तो फिर आपको क्या रिवर्ट वहां से मिला? देखिए, अभी मेरी पद यात्रा पिछले महीने खत्म हुई है। मैंने लेह से कन्याकुमारी तक पैदल चला, कन्याकुमारी से जम्मू गया, मैं वैष्णो देवी, भारत को एक मंदिर मानकर, एक गुरुद्वारा मानकर आपने परिक्रमा की है उसकी, है ना। जैसे इस्लाम में भी काबे का तवाफ किया जाता है, तो एक इबादतगाह हमारी हिंदुस्तान है, हमने इसका तवाफ किया। और मैं कई राज्यों के मुख्यमंत्री से भी मिला, राज्यपालों से भी मिला, सब जगह मिला। पिछले महीने मेरी यात्रा समाप्त हुई है, उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार से मिलना है, प्रत्यक्ष मिलना है, कृषि मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, और वो सारी चीज़ें हमें देनी है कि देश में हमने इस तरह की चीज़ें देखी। तो अविलंब अब गाय के लिए आप एक सकारात्मक योजना बताएं, जैसा मैंने भी कहा, भाइयों ने भी कहा। ठीक है, तो गाय गौ रक्षा को लेके जो कि बात हुई, और वो सही भी है कि गौ रक्षा को लेके राजनीति नहीं होनी चाहिए। गौ, जिसको कि हिंदू धर्म में हम माता बोलते हैं, और एक पशु के साथ साथ वो हमें दूध देने का काम करती है, इसलिए हम माता उनको बोलते हैं। और कई बीमारियों का इलाज गौमूत्र से किया जाता है, जैसा कि अभी फैज खान जी ने भी बताया कि गोबर से अगर खाद बनाई जाए तो उसकी खेती ज्यादा अच्छी होगी और उससे बीमारियां भी नहीं होंगी। तो जरूरी है कि इसको लेकर सरकार कानून बनाए, और अगर आप जैसे लोग इसमें आगे भागीदारी लेंगे तो मुझे लगता है कि आगे जाके कानून बनेगा भी। मगर जो आज की परिस्थिति है, मैं वापस आती हूँ घूमकर उन परिस्थितियों पर, आज हिंदुस्तान में चर्चा इन बातों पर है ही नहीं। आज चर्चा आप देखेंगे तो आर्थिक मंदी, अगर आप ले लें, अभी 150 रुपए सिलेंडर के दामों को बढ़ा दिया गया, आज डीजल और पेट्रोल के दाम जब एकदम से बढ़े, और उसके बाद राजनीति की अगर बात करें तो जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस टाइम कच्चे तेल के दाम ज्यादा थे, लेकिन उस टाइम पेट्रोल डीजल के दाम कम थे। आज दाम जब घटे उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, इसको लेकर भी देश भर में बहुत आंदोलन किए गए। सवाल मेरा उस पर नहीं है, सवाल इस पर है कि हिंदुस्तान में आज चर्चा किन मुद्दों पे होनी चाहिए। क्या चर्चा सिर्फ हिंदू मुसलमान पर होनी चाहिए, क्या सिर्फ नागरिकता के प्रमाणों पर होनी चाहिए, या चर्चा होनी चाहिए कि आज दिल्ली के अंदर जो फैक्ट्री सीलिंग हुई वो क्यों हुई, बेरोजगारी जो बढ़ रही है वो क्यों, पिछले एक साल का आंकड़ा बताता है 1 करोड़ रोजगार हमारे हिंदुस्तान से चला गया, GDP 4.5 रह गई, हमारा जो रुपया है वो पीछे पीछे पिछड़ता जा रहा है, बांग्लादेश का टका आगे निकलता जा रहा है। तो क्या ये स्थिति सोचने और विचारने की स्थिति आज देश के लिए नहीं है? क्या हिंदुस्तान को इन सब बातों में घुमाया जा रहा है? मैं अहमद जी से पूछना चाहूंगी, फाजिल जी आप बताइए क्या आपको लगता है इन स्थितियों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत फास्ट गेम खेलती है, सत्ता बहुत संयमित होकर चलाई जाती है। जब इंसान बड़ा होता है ना, कहते हैं पहले भी कि फला ब्रिज झुक जाता है, अब ये झुकने की बजाय और खड़े हो जा रहे हैं, अब जब ये खड़े होते हैं तो पब्लिक भी खड़ी हो जा रही है। नतीजा ये है कि सवाल इस बात का है कि अब होगा क्या देश में, इस पर लोग सोचते हैं। अब उस पर कोई सोच ही नहीं रहा है कि भाई इकोनॉमी जा रही है, ये जा रहा है, नोटबंदी कर दिया इन्होंने, बिजनेस की हालत क्या है, इस पर तो खुद सरकार भी चर्चा नहीं करना चाहती। और हमारी मजबूरी यह है कि जब हमारी नागरिकता पर सवाल करेंगे, हमारे नेशनलिटीज पर सवाल करेंगे, हमारे विचारों, तो हमको तो बोलना पड़ेगा ना, हम कितना दिन चुप रहेंगे। इन्होंने सब कुछ हमेशा हमको ही तिरस्कार करते, हमारा अपमान करते, आज वही सरकार में है तो हमारे मन में बैठा हुआ है कि जो आदमी हमसे इतना तिरस्कार करता, हमारा इतना हमारा अपमान करता, आज वो सरकार में है तो उससे हमें वफादारी। आपको ऐसा नहीं लगता कि इन सारे मुद्दों को उठा के ये सरकार जो कि आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी, आज कहीं ना कहीं असफलता जिन पे दिखती है उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है? दबाने का प्रयास नहीं किया, दबा दिया गया, प्रयास नहीं, सक्सेस हो गए वो लोग। आज एयर इंडिया बेच दिया, हज सब्सिडी जब तक थी ना तो हज के पैसे से एयर इंडिया अपने रिकवर कर लेती थी घाटे को, अब हज सब्सिडी बंद हो गई तो पैसा सरकार देना बंद कर दी, एयर इंडिया बिक गया, ये बात है, टेलीफोन बिक गया। देखिए, प्राइवेट निजीकरण करने के पीछे भी इनका बहुत बड़ा मकसद है, बात घाटे की नहीं है। ये ओबीसी SC ST का आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं, तो इन्होंने क्या सोचा कि SC ST ओबीसी के लोग आंदोलन करते हैं तो इनका आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता, तो इन्होंने क्या कि विभागें समाप्त कर दो, ना विभाग रहेगा ना इनको आरक्षण देना पड़ेगा। अगर रेलवे होगा तो इनको आरक्षण से नौकरी देनी पड़ेगी, रेलवे बंद कर दो, प्राइवेट तेजस चलाओ, किसी को आरक्षण देने की जरूरत नहीं, आरक्षण तो इसी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, आरक्षण समाप्त करने के लिए ये सारी प्रक्रिया चली जाएगी। फैज खान जी, आपका किस पे क्या जवाब रहेगा कि जो आज परिस्थितियां हैं, आर्थिक मंदी और बेरोजगारी, इससे कोई आज भाजपा का भी नेता इससे ना नहीं कह पा रहा है, तो क्या इन मुद्दों को दबाने के लिए नागरिकता और ये CA NRC को लाया जा रहा है? क्योंकि हम नेशनल टेलीविजन पर चर्चाएं देखते हैं तो हमने इस पर चर्चाएं बहुत कम देखी और ना के बराबर देखी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नागरिकता कानून जो आ रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बन रहा है, 370 35 से हटाई गई है,
ये ऐसा नहीं है कि विकास के मुद्दों को दबाने के लिए सारी चीजें लाई जा रही, ये एक अलग विषय है और बहुत समय से 400 साल 500 साल के पुराने पुराने विषय। इसी पे छोटा सवाल है, जैसे आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो उसका जैसे ट्रस्ट बनाया जा रहा है, जैसा कि अभी फाजिल अहमद जी ने कहा कि कहीं ना कहीं आरक्षण समाप्त करने की बात मोहन भागवत कई बार कह चुके, लेकिन अंबेडकर ने मोहन भागवत जी ने खुल के, एक मिनट मेरा सवाल, छोटा सवाल, जब आरक्षण की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण समाप्त हो गया, विभाग समाप्त हो गया, नौकरी कहां गया, आरक्षण में रेलवे चला गया, 1,00,000 से ज्यादा लोग नौकरी करते थे बीएसएनएल में, वो चला गया, तो अब आरक्षण समाप्त हो ही गया, अब क्या बचा आरक्षण में। तो उसमें जो उन्होंने राम मंदिर का जो ट्रस्ट बनाया है उसके अंदर एक भी हमने बहुसंख्यक हिंदू को अभी तक नहीं देखा। कल्याण सिंह जी ने भी अपना इस पे दुख जाहिर किया, उमा भारती जी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आई, अपनी बात को पूरी नहीं रख पाई, क्यों, इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं त्याग दिया ना राम मंदिर के नाम पर। तो अब आप बताइए कि उनका नाम क्यों नहीं है और एक दलित को लिया गया है सिर्फ, लेकिन अब बोला जा रहा है कि शायद मोहन भागवती उस ट्रस्ट के संरक्षक बन जाएंगे, तो ये सब क्या है, क्या कहेंगे? राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज जहाँ आएगा वहाँ दैहिक दैविक भौतिक किसी भी प्रकार का ताप नहीं होगा, सनातनी सनातनी है, सनातनियों को उस स्थान में दिया गया है। तो क्या आपके हिसाब से बहुसंख्यक हिंदू सनातनी नहीं है? बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हिंदुओं की बात नहीं है यहाँ पर, सनातन दिया गया है, आप उसको बांटिए ना मत, आज बांट दिया ना मोहन भागवत जी ने, खुद सामने आके कही नहीं वाली बात, और क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने उसमें सिर्फ एक दलित को रखा, ये बताइए ओबीसी क्यों नहीं है कोई, ये सवाल है। हमारी मीडिया को इस भाव से ऊपर उठना पड़ेगा कि एक स्त्री के साथ अनाचार होता है तो वो दलित स्त्री है कि ब्राह्मण स्त्री है, उसके हिसाब से बायस न्यूज दिखाई जाएगी या बायस चर्चा की जाएगी। इससे ऊपर उठना पड़ेगा कि दलित को क्यों नहीं रखा, ब्राह्मण को क्यों नहीं रखा, जो लगा उसको रखेंगे आगे और मॉडिफिकेशन होंगे, तो आपको नहीं लगता, आप हिंदुओं में भेदभाव वाली बात और क्यों कर रहे हैं कि ऊंची जाति, ये तो मोहन भागवत जी ने किया ना कि आरक्षण समाप्त कर दो, तो आरक्षण समाप्त होने से तो भेदभाव आएगा ही, तो आरक्षण समाप्त होने से क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा था कि जब तक अपने अधिकार नहीं मिल जाते अपने हिसाब से रोजगार, अंबेडकर जी ने संविधान में 10 साल के आरक्षण की व्यवस्था की थी, आप अंबेडकर जी नहीं 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 बिल्कुल गलत, मैं इस बात को ऑब्जेक्ट करती हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं नहीं उसको हाँ तो बढ़ाया जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था जब तक अंतिम छोर का व्यक्ति सब नहीं मिल जाता रोजगार तब तक, तो क्या अंतिम छोर के व्यक्ति को मिल गया रोजगार? वही रामराज है, मैं कह रहा हूँ शबरी का विकास अंतिम व्यक्ति का विकास, तो रामराज भी तो क्योंकि मोहन भागवत जी ने कहा दलित को रखा है, एक को रखा, सिर्फ एक को रखा, नहीं एक को रखा है दलित को, तो ओबीसी को ही नहीं रखा, आप क्यों बात कर रही हो, क्योंकि उमा भारती जी हिंदू होता है, ओबीसी दलित स्वर्ण नहीं होता है, ठीक है, आप ये राजनीति, ये इन्होंने कहा ऐसा, हिंदुओं को क्यों बांट रहे हो, अच्छा हिंदुस्तानी मुसलमान और ये मुसलमान अलग हो सकते हैं, लेकिन हिंदू हिंदू में इन्होंने बंटवारा, हिंदू एक है, हिंदुओं को मत बांटिए, ये तो मोहन भागवत जी ने बांट दिया ना आरक्षण समाज, भारत सरकार ने टाटा एयरलाइंस को एयर इंडिया बनाया था, एयर इंडिया कहीं बाहर नहीं जा रही है, अगर रहेगी तो यहीं पर रहेगी, ठीक है, एलआईसी के बारे में, हाथ में रहेगी, कहीं नहीं जा रहा है, एलआईसी सब भारत में ही रहेगा, लाल किला तो रहेगा भारत में, लेकिन क्या पर्सनल रहेगा, लेकिन सरकार मालिक नहीं है, कहीं नहीं जा रही, सरकार मालिक नहीं है, भारत में तो रहेगा। अगला सवाल मेरा ये है कि सोचने की बात है कि एलआईसी हो चाहे एयर इंडिया हो, ये भारत से तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि भारत में लाल किला भी भारत से नहीं जा सकता, लेकिन इसका निजीकरण करना गलत है, उसका निजीकरण करना गलत है, क्या अच्छा हो सकता है, फिर तो सब कुछ आप चाइना की तरह कर दीजिए, सब कुछ सरकारी कर दीजिए, बोलने पर प्रतिबंध लगा दीजिए, बोले जब जहाँ जो उचित लगेगा, बोलने पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास ना हुआ है हिंदुस्तान में और ना कभी होगा, इस बात से लोग निश्चिंत रहे। आज चर्चाएं होती है जब तो अलग अलग तरह के बयानबाजी आती है, आजादी दे देते हो कि आसाम को भारत से तोड़ देंगे, कश्मीर से भारत, इतनी बोलने की आजादी, उनको 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 गिरफ्तार भी किया गया, और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए
जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन मोदी सरकार से अगर ये बात है तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपने, जैसा कि आपने कहा आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, बट उसके बाद भी आप खैर भाजपा की हर बातों को आप डिफेंड कर ही रहे हैं, तो एक सवाल आपसे मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि आपने अभी मोदी जी और मोहन भागवत जी को बहुत डिफेंड किया है, तो मैं एक सवाल, एक सवाल लगेगा करेंगे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो आप इस प्रश्न में भी आपको मोदी जी सही लगने वाले हैं। एक युवा कांग्रेस ने केरल में गाय काटी थी जी, राहुल गांधी जी ने उस युवा कांग्रेसी को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया था। आई अप्रिशिएट राहुल गांधी ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि उन्होंने अच्छा कार्य किया। गाय काट के क्यों विरोध प्रदर्शन, मैं इस बात पे राहुल गांधी का भी सवाल, मोदी जी का भी इस सवाल पे विरोध करेंगे, उन्होंने गौरक्षकों को गुंडे का, तो आपने उसका, मैंने उनका विरोध किया, बस सीधी सी बात है, राहुल गांधी ने गौरक्षा की बात किया, हम उनका समर्थन कर रहे हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा अगला सवाल ये है कि जब बात आतंकवाद की आती है तो कई बार मुसलमानों को हिंदुस्तान में कईयों बार टारगेट किया गया, नेशनल टेलीविजन पर डिबेट्स की गई, और उस डिबेट्स में निकलकर आया एंड में एक ही लाइन आती है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद आतंकवादी होता है जिसके अंदर घृणा कट्टरता नफरत और द्वेष पनपता है, जो इंसानियत को मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसको हम आतंकवादी कहते हैं। तो जब आतंकवाद की बात होती है तो आतंकवादी से चाहे वो हिंदू हो या भारत का मुसलमान हो, वो सब घृणा करते हैं, नफरत करते हैं उनसे, और हम नहीं चाहते कि आतंकवाद की कोई भी गतिविधि किसी भी देश के अंदर हो। ये हिंदुस्तान का हिंदू भी मानता है, मुस्लिम भी मानता है, सिख भी मानता है, ईसाई भी मानता है। लेकिन फिर एक सवाल मेरा आपसे है फजील अहमद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रज्ञा ठाकुर का जब नाम आता है, उन्होंने संसद के अंदर एक बयान दिया, उसमें जिन्होंने नाथुराम गौडसे को देशभक्त बता दिया, उसके बाद वो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो भाजपा के ही मुख्यमंत्री रहे उनके शासन में वो जेल में भी रही, और उसके बाद वो आतंकवाद की आरोपी थी, वो बाहर कोई बेल से नहीं आई, सिर्फ इस उन्होंने ये दलील दी कि मुझे कैंसर है और मैं बीमारी का इलाज के लिए बाहर आना चाहती हूँ, उसके बाद वो बाहर आई, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह की बातें की, क्योंकि वो आतंकवाद का आरोप उन पे बना हुआ, वो आरोपी रही है, तो उनको संसद में पहुंचा देना और नाथुराम गौडसे की विचारधारा का साथ देना, तो फिर ये किस तरह की रणनीति है? एक तरफ आतंकवाद का विरोध, तो क्या हिंदुस्तान में तो आतंकवाद का विरोध हुआ ही है, तो फिर इसको हम किस किस आईने से और किस चश्मे से हम देखें इसको? देखिए, मक्का मस्जिद ब्लास्ट में उनका नाम आया था। मक्का मस्जिद जब ब्लास्ट हुआ उसमें 3 मुसलमान लड़कों को आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, 2 साल के बाद इनका नाम आया। अब सोचिए, मस्जिद में ब्लास्ट हुआ और मुसलमानों को पकड़ लिया गया, ये कहाँ का न्याय है? कोई मस्जिद में मुसलमान तो नहीं कर सकता है ब्लास्ट, एक नेचुरल फिलोमिना है। फिर भी वहाँ पे 300 से ज़्यादा मुसलमानों को उसी रात उठाया गया, इतना ज्यादती हुई। और ये कानून व्यवस्था हम बता रहे किस तरह से, किस मर्जी से चलता है कानून। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब मोटरसाइकिल पकड़ी गई, उसका नंबर का सर्च हुआ, तो वो गाड़ी इनके नाम निकली और उस पर इन्वेस्टिगेशन इनकी तरफ घूम गई, और प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, ये तमाम नाम आए। तो अब मैं हूँ तो अगर कोई मुसलमान पकड़ता है तो हम कहते हैं कि बेगुनाह है, ये कहें कि प्रज्ञा ठाकुर बेगुनाह है। देखिए, सरकार को किसी हिंदू मुसलमान जात धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, जिस तरह से खालिस्तान की मांग हो रही थी, तो उसमें कोई सिख समुदाय के लोग आतंकवाद करते थे, उनके साथ भी बहुत ज्यादतियाँ हुई, उसी तरह से ये लोग जिस तरह से मुसलमान को टारगेट करते हैं, मुसलमान क्यों गलत देश विरोधी कार्य करेगा? उसकी डिमांड क्या है? कोई डिमांड है उसकी? कोई डिमांड नहीं है। लेकिन मुसलमान को सियासत दबाना, उसको सरकारी जाल में फंसाना, उसे दबा के रखना सरकार की मंशा है। ये सरकार, ये लोग इतना ना इनको क्रश कर दो कि ये बोल ना सके। एक एक तरह से उनको ये लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करके इस देश में हम जीत सकते हैं। तो ठीक है, 2 बार मौका दिया देश की जनता ने आपको, इसलिए नहीं दिया कि आपने सांप्रदायिकता बात की, इसलिए दिया कि वो कांग्रेस की नीतियों से लोग चुप थे, एक विकास की धारा चाहते थे, उनको लगता था कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात का विकास किया, देश का विकास होगा। 2014 में कोई मंदिर मुद्दा नहीं था, 2014 में हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं था, 2014 में कुछ भी नहीं था, केवल एक मुद्दा था, भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार से हर कोई पीड़ित था, उस भ्रष्टाचार को इन्होंने उठाने के लिए देश की जनता ने इनका सपोर्ट किया। जब सत्ता में आए, इन्होंने सत्ता का खेल खेला, सत्ता खेल खेला, और 19 में अपना फिर वही राग अलाप करके आ गए। लेकिन एक राजधर्म होता है, आप जितना भी क्रश करना है क्रश कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्ता का एक राजधर्म होता है, राजा का अपना एक राजधर्म होता है, चाहे कोई उसे वोट दे या ना दे, लेकिन राजा को अपने राजधर्म का पालन करना ही पड़ेगा। यदि नहीं करेगा तो यही होगा देश के अंदर, कि मूल बिंदुओं से बात हट करके केवल निगेटिव चीजों पर बात होगी और देश रसातल में जाएगा, और जब रसातल में जाएगा कोई नहीं बचेगा। आप इस पे, ये किसी पार्टी की बात नहीं, ये एक विचारधारा को लेकर मेरा सवाल है, क्योंकि गौडसे की विचारधारा से हिंदुस्तानी परहेज करता है, हम गौडसे की विचारधारा को नहीं मानते,
भाजपा भी कहती आई है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल जब बनता है तो हमारे देश में गांधी की विचारधारा से आगे बढ़ सकते हैं लेकिन गॉडसे की विचारधारा से नहीं। तो जब ऐसी बातें सामने आती है तो क्या वो विचारधारा गलत है और उसका विरोध होना चाहिए? देखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप गांधी की विचारधारा कहती हैं, गांधी जी ने रामराज की परिकल्पना की थी जहाँ किसी को कोई दुख ना हो। ये भी एक मान्यता है कि गांधी जी के मुख से अंतिम समय में हे राम शब्द लिखा था और वहां पर लिखा भी हुआ है। जब गांधी जी की ये सारी परिकल्पना है, गांधी जी धर्म परिवर्तन के सबसे बड़े विरोधी थे जी। किसी हिंदू को ईसाई या मुसलमान नहीं बनना चाहिए, ना किसी मुसलमान या ईसाई को हिंदू बनना चाहिए, सबको अपने अपने धर्म में रहना चाहिए। जब आप इन सारी चीजों को मानते हैं, गांधी को मानते हैं, तो आपको इन चीजों को भी मानना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, मुसलमान हिंदुस्तान में शुरू से लेकर आज तक जितना सुखी हिंदुस्तान में है पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं। मैं इस बात से किसी पार्टी के एहसान से नहीं सुखी है, मैं किसी पार्टी का एहसान नहीं है। मैं इस बात से, इसके लिए आप श्रेय मत लीजिए, किसी पार्टी के एहसान से नहीं सुखी है, अपने कर्मों से सुखी है, अपने कर्म और धर्म से सुखी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप आए कई साल, अभी तो 6 साल हुआ आपको आए हुए, 70 साल में 6 साल आप आए, बिल्कुल आपके सामने किसी के एहसान से थोड़ा हम सुखी है, अपने कर्म से सुखी है, अपने बिजनेस करते हैं, हम देश की सेवा करते हैं। इस देश ने गलत कहा कि नहीं कहा, सुनिए मेरी बात, नहीं उस पे जवाब दीजिए आप। मुसलमान इस देश में इसलिए सुरक्षित है और सुखी है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू दुनिया की सबसे बड़ी। अरे प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सही कहा कि, अरे मैं बता रहा हूँ ना, आप बताइए, उस पे मत जाइए ना, क्यों नहीं जाऊँ, उत्तर वही है, उत्तर वो नहीं, सीधा बताओ गलत का किसने कहा, सीधा भाजपा की, मैंने सीधा पूछा, सीधा पूछा, मैं भारत और हिंदुत्व की बात करो ना, तो फिर उन्होंने गॉडसे को सही कहा, गॉडसे को सही मानते विचारधारा को। हिंदू इस दुनिया की सब, आप औरंगजेब के अच्छे बुरे बातों का एनालिसिस करते रहते हैं, आप हिटलर की अच्छी बुरी बातों का एनालिसिस करते रहते हैं, आप तैमूर लंग की अच्छी बुरी बातों का एनालिसिस करते रहते हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, आप ये बताइए, मैं क्यों बताऊं सर, मेरे पैर पे आ गए, आप करते हो कि नहीं, अरे मैं क्यों करूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं, अरे जब मैं आपको कहता हूं तो आपको पर्सनल नहीं कह रहा हूं, आप एंकर हैं, आपके माध्यम से बाकी लोग को कह रहा हूं, इस बात को समझिए। तो जब आप औरंगजेब को एनालिसिस कर सकते हैं, उसने कितना हत्याकांड किया, सिख धर्म गुरुओं की हत्या की, फिर भी आप बताते हैं वो टोपी सिलकर अपना गुजारा करता था, आपने उसका एनालिसिस किया ना। जब आप हिटलर और औरंगजेब को एनालिसिस कर सकते हैं, अरे सिर्फ इतना बताइए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने संसद भवन के अंदर एक जिम्मेदार सांसद के तौर पर एक लाइन बोली नाथूराम गौडसे को देशभक्त का, क्या वो सही है या गलत है? भाजपा और कांग्रेस भूल जाइए ना सर, आप अपने पर्सनल उस पर विचार। नाथूराम गौडसे साध्य उनका ठीक था, साधन उनका गलत था, अखंड भारत हम भी चाहते और गांधी जी भी चाहते थे, गांधी को मार के अखंड भारत बन गया, लेकिन उन्होंने जो मार्ग अपनाया हिंसा का मार्ग, उसे कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, क्योंकि गांधी भी अखंड भारत चाहते थे, हम भी अखंड भारत चाहते थे, लेकिन जिन्ना की विचारधारा वाले लोगों ने, जो कि नारे लगे कि जिन्ना की आजादी आज भी चाहिए, इन लोगों ने इस देश को तोड़ा है। आज सवाल जब हमने पूछा तो कहीं ना कहीं जब गॉडसे की बात आ जाती है तो एक तरह से एक कंफ्यूजन कहीं ना कहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, उन्होंने कहा कि साध्य नाथूराम गौडसे का ठीक था भारत और साधन उनका गलत था, हिंसा साधन तो जब है। साधन गलत है तो साध्य ठीक कैसे हो सकता है, इसका क्लैरिफिकेशन वो शायद अपने अंदर से दे सकते होंगे। गौडसे पर सवाल नहीं है, उन्होंने अगर आप साध्य को ठीक बताते हैं तो शायद उसी विचारधारा के लोग, जब जामिया में अहिंसा वादी आंदोलन कोई व्यक्ति करता है या चुप रहकर आंदोलन करते हैं तो जब उस पर गोलियां चलाई जाती हैं तो वही इसी विचारधारा से प्रेरित होकर लोग गोलियां चलाते हैं, जो कि गलत है। हिंदुस्तान में हिंसा का ना स्थान कभी था ना कभी है, और ना कभी आजादी मांगोगे तो भैया गोली चलेगी, जिन्ना वाली आजादी चलेगी, फोटो लगा के रखोगे तो गोली चलेगी, लाठी चलेगी, जिन्ना की बात आर्मी तो उस पर कार्रवाई करेगी, जैसे अडवाणी जी जब पाकिस्तान गए तो जिन्ना की मजार पर गए, चादर चढ़ाई,
जब नवाज शरीफ के साथ दोस्ताना निभाते हुए नरेंद्र मोदी जी कई बार नजर आए, हाँ बिरयानी खाने गए, झूला झूलने भी सावन में, वो कई चीजें हमें देखने को मिली। और जब कहते थे कि एक डिप्लोमेट के तौर पे गए थे, पॉलिटिशियन के तौर पे गए थे वहां पर, देश के प्रतिनिधि के रूप में गए थे वहां पर, देश के प्रतिनिधि कोई विदेश से जब आता है तो बापू की समाधि में जाता है, उसी तरीके से पाकिस्तान में कोई विदेशी डिप्लोमेट आता है तो जिन्ना की मजार पे जाता है। सामान्य से क्या है कि विचार बदल सकते हैं इनके हिसाब से, वहां जाके अगर पाकिस्तान में कोई गया तो पाकिस्तान जी के हिसाब से शायद विचार बदल जाते, हिंदुस्तान के अंदर आके कोई बाबू के बारे में अपशब्द बोल के देखे तो आप यही है ना, आप देश उधर जाएंगे तो टोपी पहन लेंगे, यहाँ आएंगे तो टोपी से परे नजर आएंगे, मोदी जी गए, मोदी जी गए तो वहाँ टोपी पहन लेंगे, सामान्य सी औपचारिकता थी, मोदी जी टोपी नहीं पहनते, मोदी जी ने पहनी है, काम सेक्युलर होता है, एक बार मोदी जी विदेश जाते तो टोपी पहन लेंगे, जब हिंदुस्तान मुसलमानों को 5 साल टोपी पहना, टोपी पहनने का काम मोदी जी ने तो नमाज की टोपी पहनने से इनकार किया, राजनीतिक